हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बीचम में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के हूँ 23 और 24 अक्टूबर का करंट अफेयर। जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनके ऊपर मैं जो आपको करंट अफेयर बताने वाला हूँ, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बाद जो बेल आइकन उसको प्रेस करें। पहला जो करंट अफेयर है वो है क्रिकेट से है। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि श्रीलंका के जो स्पिनर है रंगना हेरात, इन्होंने जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और इससे पहले जो है इन्होंने 92 टेस्टों के अंदर 430 विकेट लिए थे। और अपने बात करें तो मुरलीधरन के बाद ये श्रीलंका के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। और आपको ये बता देता हूँ कि जो विश्व के अंदर अगर उन्होंने बात करें तो सबसे ज़्यादा मुरलीधरन ने विकेट लिए टेस्टों के अंदर, और भारत के लिए अनिल कुंबले ने लिए, और ऑस्ट्रेलिया के लिए बात करें तो सेनवान 708 विकेट दूसरे नंबर पर है। अगली जो विजय हजारे ट्रॉफी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्योंकि जो ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं आने वाले एग्जाम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा ये आपके लिए। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो चल रही थी उसमें मुंबई को जो है दिल्ली को हरा दिया, मुंबई ने दिल्ली को हरा दिया। और ये मुकाबला आपको बता देता हूँ कि बेंगलोर जो है कर्नाटक या बेंगलुरु जो है वहाँ चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था। तो ये आपको हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जाए कि विजय हजारे ट्रॉफी है वो किसने किसको हराकर जीती है। अगली इंटरनेशनल न्यूज है, पाक और रशिया के बीच में ये जो युद्ध अभ्यास हुआ था ड्रुंजावा, और ये थर्ड ये पाकिस्तान में जो है संपन्न हुआ है। और आपको बता देता हूँ कि भारत और जो रशिया के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है उस युद्ध अभ्यास का जो नाम है वो है इंद्र। इसमें भारत का जो INDIGO और जो अपने रशिया का जो RA जो जुड़ जाता है तो उसमें जो इंद्र जो शब्द बनता है उसी से अपने जो युद्ध अभ्यास का जो नाम रखा गया वो इंद्र रखा गया है। और अगर अपने बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी अगर अपने बात करें तो इस्लामाबाद है, और इसकी जो मुद्रा अगर अपने बात करें तो रुपया ही है इसकी मुद्रा, लेकिन उसको पाकिस्तानी मुद्रा कहा जाता है, पाकिस्तानी रुपया कहा जाता है। पाकिस्तान के PM की अगर अपने बात करें तो हाल ही में बने इमरान खान, जो एक क्रिकेट प्लेयर भी थे। इसके अलावा प्रेजिडेंट या उसके राष्ट्रपति की अपने बात करें तो आरिफ अलवी जो है इनके राष्ट्रपति है। अगला है नीति आयोग से, कि नीति आयोग के जो है वो योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था भारत के अंदर 1 जनवरी 2015 को। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, मुख्य जो होते हैं वो नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री जो होते हैं इनके। दूसरे अपने बात करें उपाध्यक्ष अगर पूछे जाए तो राजीव कुमार है, और पहला उपाध्यक्ष अगर अपने बात करें तो अरविंद पनगड़िया जो थे वो थे। CEO की बात करें तो अमिताभ कांत जो है इनके CEO है। और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के अंदर आपको पता भी है कि हर एग्ज़ाम में कुछ ना किसी का CEO पूछा जा रहा है, तो हो सकता है कि आपको नीति आयोग का भी पूछा जा सकता है। अगले अपने न्यूज़ की बात करें तो 24 अक्टूबर को जब वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है, इसके अलावा जो वर्ल्ड पोलियो डे है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही आपको एक डे और भी याद रखना है, यूनाइटेड नेशन डे, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, तो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी इसकी जो स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर या उसके अंदर अमेरिका के अंदर ही है। तो ये भी आपको याद रखना है कि UN की स्थापना जो है वो कब की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, या संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। और इसकी स्थापना का परिणाम अगर पूछा जाए तो दूसरे विश्व युद्ध का जो क्या है परिणाम था, और इसमें टोटल देश अगर पूछा जाए तो 196 देश है, और जो लास्ट देश था वो दक्षिणी सूडान था। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की अगर बात करें तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है AMFI, तो इसके CEO के बारे में, इसके CEO जो बनाए गए वो वेंकटेश जो है वो बनाए गए। और AMFI के अगर फुल फॉर्म की अगर अपने बात करें तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, तो ये इसकी जो क्या है फुल फॉर्म है। अगली इंटरनेशनल न्यूज है कि 11 साल की जो गीतांजलि रॉय जो है ये अमेरिका के अंदर सबसे युवा वैज्ञानिक बन चुकी है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो अमेरिका के सबसे युवा वैज्ञानिक होने का गौरव किस या महिला को या किस लड़की को या किसे दिया गया, तो ये गीतांजलि रॉय जो है वो क्या इसका राइट आंसर होगा। अगले अपने बात करें तो ये चाइना से, चाइना ने 2020 तक अपना जो एक चंद्रमा बनाने का जो है वो लक्ष्य रखा है, कि ऐसा कौन सा देश है जो खुद का क्या चांद बनाने का जो वो लक्ष्य लेकर चल रहा है। तो आपको यहाँ जो राइट आंसर मिलेगा वो क्या होगा, चाइना जो होगा इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो सबसे लंबी दूरबीन है वो भी चाइना ने बना रखी है, तो ये आपको थोड़े से आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।